नमस्ते गाइस, यू आर वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बैटरी के 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि सैनिकों की संख्या जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, या एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, मैथमेटिक्स यदि पूछा जाता है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रहता है, एक से दो क्वेश्चन। तो चलिए इसको आज कवर करते हैं। सैनिकों की संख्या जो कि बहुत आसान है, इसको समझना है केवल। चलिए हम बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जाकर के सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस करना ना भूलें। सैनिकों की संख्या जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया, इसमें सबसे पहले करना क्या है आपको देखनी है, सैनिकों के मतलब इसमें शून्य कितना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं। देखिए, शून्य तभी संभव होगा जब एक 15 ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, जो एक क्वेश्चन इसमें टाइप हुआ था 25 40 के बाद है 25 16 55 105, इसको रुकिए हम छोटा कर लेते हैं, ये है 12 गुने 18 गुने 15 गुने 40 गुने 40 के बाद 25 था, 25 गुने 16 गुने 55 गुने 105, ये आपका क्वेश्चन था, यानी इसमें सैनिकों की संख्या। सबसे पहले हमें यही सुनना है, यही जानना चाहिए कि सैनिकों के मतलब हुआ कि अंत में या तो शून्य हो, अंत में शून्य होना चाहिए, इसका मतलब सैनिकों की संख्या का मतलब हो अंत में शून्य। देखिए, जैसे कि 100 लिखते हैं, इसमें सैनिकों की संख्या कितनी है, 2 है। यदि 1000 लिखते हैं, इसमें सैनिकों की संख्या 3 है। इस हिसाब से हमें यह देखनी है कि इसको यदि हम मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो इसमें सैनिकों की संख्या कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले दो चीज़ होना, यदि मान लीजिए हम 10 लेते हैं तो 10 में सैनिकों की संख्या 1 है, तो 10 को यदि तोड़ेंगे तो 2 और 5 होगा, यानी एक 5 का होना आवश्यक है, तभी जाकर नीचे शून्य होगा। 5 और 2, ये दोनों रहना ही चाहिए, मतलब जिस सैनिकों की संख्या यदि पूछे तो उसमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई हमें देखना है कितनी बार है, 2 और 5 देखना है कितनी बार इसमें है। तो इस सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें तोड़ना होगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले था 12, तो 12 में तो 5 हमको दिखता नहीं, तो इसमें 5, सबसे पहले हमें 5 ढूंढना है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद था कितना, 18, 18 में भी 5 नहीं दिखता, इसको नहीं लिखेंगे, 18 था। उसके बाद था 15, 15 में तो एक 5 दिखता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, इसको यहाँ पर लिख के रखते हैं। उसके बाद था 15 के बाद 25, 25 15 के बाद था 40, 15 के बाद 40 था, 40 में 5 है, कितने 5 है, 2 5 10, 10 ऐसे हो गया, एक ही 5 है इसमें, ऐसे 8 5 40 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 2 कितनी बार आएगा, 2 5 10 चौके 40, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 40। 40 के बाद था 25, सबसे पहले हमें 5 देखनी, इसमें 2 5 है, यानी कि 5, ठीक है। 25 के बाद 5 के बाद काउंट करनी है हमको 5, 25 के बाद क्या था, 25 के बाद क्वेश्चन में था 16, 16 में हमें काउंट नहीं करनी है, 16 मल्टीप्लाई में था क्योंकि 16 में 5 नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 55 था, 55 में एक 5 आ रहा है, यानी 11 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 55 के बाद 105 था, 105 में 5 है, 21 पंचे 105, 20 पंचे 121, यानी 15। अब हमें ये देखनी है, सॉरी गाइस, अब हमें ये देखनी है कि ये एक कितना था, 15 था, यानी इसमें 15 है। उसके बाद एक 40 था, 40 में 2 गुने 5 गुने 4 लिखे थे हमने, पंचों का 20 गुने 40, एक 40 था, एक उसके बाद 25 था, 25 में 2 5 है, 25 में 2 5 है, 25 के बाद 55 था, 55 में 15 है, 55 के बाद 105 है, 105 में भी 15 है गाइस, 105 में भी 15 है। हमें ये देख लेनी है आपका 155 में 15 है, यानी हम 15 यदि लेते हैं यहाँ पे तो उसमें हमको 15 आता है, ठीक है। हम 15 के बाद 40 लेते हैं तो 40 में हमको 15 मिलता है, देखते चलिएगा, समझाते इसलिए टाइम लगता है। 40 के बाद क्या था, 25 था, 25 में हमको 2 5 मिलता है,
दो पाँच का मल्टीप्लाई, 25 के बाद 55 था, 55 में हमको 1 5 मिलता है और 105 में भी हमको 1 5 मिलता है, यानी कितना 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 5 हो गया। अब हमें ये देखनी है इस 5 के लिए भी हमें कम से कम 1 2 चाहिए, इस 5 के लिए भी 1 2 चाहिए, इस 2 5 के लिए 2 2 चाहिए, यानी 2 2 का मल्टीप्लाई, इस 5 के लिए 2 1 2 चाहिए, इस 5 के लिए। अब जो इससे पहले क्वेश्चन था इसमें देखिए, हमें हमारे पास कितना 5 है, 6 5, हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास कितना है 6 6 5 है हमारे पास, 5 कितनी है 6। अब देखिए 12 है, 12 6 5 है, यहाँ पे हमको ये मालूम चल गया कि 6, तो इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ 2 और 5 के मल्टीप्लाई में तोड़ लेनी है, देख लेना है। तो आप तोड़िएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तोड़िएगा, क्वेश्चन जो था फिर से यहाँ लिख देते हैं हम, 12 × 18 × 15 × 40 × 40 के बाद क्या था 25 25 × 16 × 55 × 105 105 यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिख देते 105। इसको हमें 2 और 5 के पावर में तोड़नी है, तो तोड़िएगा तो आपको 2 कितनी बार आएगा देखिएगा, तो 2 आएगा 10 बार और 5 आएगा 6 बार। हमें 5 का पावर देखने, यानी कि 2 इसमें 2 5 जो है 6 ठो है, तो 2 10 ठो है, यानी कि 6 ठो पूरा पूरा है इसमें, यानी इसका साथ देने के लिए 6 ठो 2 है, यानी कि हम 5 को 2 ऐसे ऐसे करके 6 बार आराम से लिख सकते हैं, लेकिन हमें 10 से मतलब नहीं, हमें केवल 5 देखनी है सबसे पहली बात, 5 कितनी बार है 6 बार है, तो इस और ये भी 6 बार। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 होता 3 बार और 5 होता 6 बार, तो सुनिकों की संख्या 6 नहीं लिखते, तब यहाँ पे दोनों का पावर हमको मैस इक्वल करना है, इक्वल होता है कि नहीं होता है, तो छोटा वाला लेना है पावर हमें, पहले छोटा वाला, इन 10 और 6 में छोटा वाला पावर कौन सा है हमें ये देखनी है, 10 और 6 में छोटा वाला पावर 6 है, तो 6 इसमें है, हाँ बिल्कुल ये तो 10 है, इसमें 6 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 इसमें है, तो इसमें इसका 3 ही लेंगे, यानी इक्वल करनी है छोटे के हिसाब से, तो इसमें सुनिकों की संख्या 3 होगा, इसमें सुनिकों की संख्या 6 होगा, तो जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उसमें सुनिकों की संख्या कितना होगा 6 होगा, यही इसका आंसर होगा, सुनिकों की संख्या 6। बहुत इजी है, आराम से आप फिर 6 वीडियो को देख लेना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम पूछ देते हैं क्वेश्चन आपको देखने, बहुत सिंपल ट्रिक है। अब वो सिंपल सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझने के लिए, एक 5 समझिए कि एक 5 है, ये 5 है, 5 × 10 × 15 × 20 25 ले लेते हैं, 30 ये ले लिया। इसमें पूछ दिया कि सुनिकों की कितनी संख्या है, सुनिकों की संख्या पूछ दिया, तो हम 5 को वैसे ही लिख देंगे, इस 5 को 5 × 2 लिखेंगे, इस 5 को 5 × 3 लिखेंगे, इस 5 को 2 बार 5 लिखेंगे, और इस 5 को 5 × 3 × 2 लिख सकते हैं। हमें देखने 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 5 के पावर 6 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 1 2 2 के पावर 2 है, 3 से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन में देखना है कि कितना होता है, हमें 3 से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें सुनिकों की संख्या मैंने पहले ही बता रखा है कि सुनिकों की संख्या आपको जो देखनी है, आपको देखनी है छोटा पावर से, यानी छोटा पावर 2 है, इसमें हम केवल 2 ही इसका मान रखेंगे, यानी सुनिकों की संख्या यहाँ पर हमें देखना है तो क्या होगा, 2 ही होगा, तो छोटा पावर जितना होगा 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन में उसी का आंसर उतना ही हो जाएगा, यानी कि इसका देखो इसमें सुन इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 ही शून्य आएगा, आपको ये देखनी है। ठीक है गाइस, ये रहा, आशा करते हैं आपको अच्छा मतलब समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और इस तरह के टॉपिक आपको दिक्कत नहीं होगा सुनिकों की संख्या निकालना। नेक्स्ट हम निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान, हो सकता है या अंकित मान, स्थानीय मान के बारे में बताएंगे, या कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूला बेस्ड होगा, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन, यानी कि हम 3 वीडियो में आपका 4 से 5 नंबर सिक्योर करवा चुके हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आपको अभी हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू गाइस, इस वीडियो के यही तक रखते हैं, जय हिंद जय भारत।